हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जीके में चैप्टर 3 वेजिटेबल्स पढ़ाने वाली हूँ। आज 6 में है तो आज का वर्क है आपका वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स कॉन्टेन एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर एंड हेल्प प्रोटेक्ट यू फ्रॉम क्रोनिक डिसीजेज। मतलब वेजिटेबल्स में जो पाए जाते हैं, जो तत्व पाए जाते हैं, वो कौन से हैं? विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर और हेल्प। ये हमें किस में हेल्प करते हैं? ये हमारे क्रोनिक डिसीजे, मतलब हमें बीमारियों को लड़ने में हेल्प भी करती है हमारी ये। तो जो वेजिटेबल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा विटामिन, मिनरल्स वगैरह बहुत पाए जाते हैं, और मतलब हमें ये भरपूर मात्रा में खानी चाहिए। हरी सब्जियों को हमें भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। ये फर्स्ट नंबर पे जो पिक्चर दी है, वेजिटेबल ही है ये सारी। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सी वेजिटेबल दी है? वो अनजम्बल, मतलब यहाँ हियर आर द पिक्चर्स ऑफ सम वेजिटेबल्स, अनजम्बल द लेटर्स टू राइट देयर करेक्ट नेम्स। मतलब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी, वो अनजम्बल्ड करके दी है, मतलब इनकी स्पेलिंग देख रहे होंगे आपको करेक्ट नहीं है, इधर उधर करके दी है, तो आप इस स्पेलिंग को करेक्ट करके लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर है आपकी कुकुम्बर की। तो कुकुम्बर की आप स्पेलिंग देख रहे हैं सही नहीं है, आपको इन स्पेलिंग्स को सही करके राइट स्पेलिंग बनानी है आपको। आप या तो यहाँ लिखेंगे बुक में या फिर यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और गुड हैंड राइटिंग में वर्क करेंगे, बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, साफ साफ। तो यहाँ फिर सेकेंड पिक्चर दी है कैरेट की। तो आप उसका यहाँ मीनिंग स्पेलिंग यहाँ मेंशन करेंगे। यहाँ थर्ड पिक्चर है ऑनियन। ऑनियन मीन्स क्या होता है? प्याज। कैरेट मीन्स गाजर और कुकुम्बर मीन्स खीरा। पीस मीन्स क्या होता है? मटर। पोटैटो मीन्स आलू। स्पेनिश मीन्स पालक। कैप्सिकम मीन्स शिमला मिर्च और कैबेज मीन्स पत्ता गोभी। तो आपको इनकी स्पेलिंग सभी की करेक्ट करके लिखनी है। आपको कैरेट की स्पेलिंग पता होगी क्या होती है? CARROT, वो आप यहाँ लिख देंगे। ऑनियन की स्पेलिंग होती है ONION, ऑनियन। ऐसी पीस की लिखेंगे, पोटैटो की लिखेंगे, स्पिनिच की लिखेंगे, कैप्सिकम की लिखेंगे और कैबेज की लिखेंगे। तो आपको आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद आप इसको लर्न भी करेंगे अच्छे से। ओके।